हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। रानीखेत एक्सप्लोरेशन चल रहा है। सुबह नैनीताल से रानीखेत आ गए थे। रानीखेत आने में मुझे 3 घंटे लगभग लगे। अरे, हालांकि रास्ता 2.5 घंटे का है, लेकिन अब स्कूटी थी हमारे पास जो कि वहीं रेंट कर ली थी नैनीताल में, तो फिर रुकते रुकते आए, क्योंकि यहाँ से जब नैनीताल से निकले थे तो चूँकि कैची धाम में बाबा के दर्शन हम कल कर चुके थे, तो वहाँ से आगे बढ़े, थोड़ा देर रुक के आगे बढ़े, तो वहाँ पे एक खैरना व्यू पॉइंट था जहाँ से नदी निकल रही थी, ठीक है। और वो व्यू भाई बहुत शानदार था, तो वहाँ पे आधा घंटा आराम से दिया। फिर रास्ते में रुकते रुकाते चाय पी लेते हुए निकल लिए, तो रानीखेत पहुँचने में थोड़ा टाइम ढूंढ ढूंढने में भी लगा, पता नहीं था कहाँ पे है, ठीक है। हालांकि स्कूटी थी तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रूम हो, लेकिन रूम तो मेन मार्केट में ही मिला है, ठीक है, और कोई महंगा नहीं है, बढ़िया डबल बेडरूम 400 का। और उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने निकल लिया, और यहाँ से मैं पहले रानी झील गया। वहीं पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, ठीक है। 100 रुपये उसका चार्ज है हर चीज़ का, हाँ सस्ता ही है। उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर दूर झूला देवी टेम्पल है, वहाँ पे मैं आया हूँ। और उसी के सामने ये विश्राम स्थल एक गार्डन है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल शांति वाली जगह है ये सब। उत्तराखंड में ये मंदिरों में बड़ा शांति रहती है, कोई भीड़ भाड़ है ही ना कतई। आराम से जाओ, दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ, आशीर्वाद लो माता जी का, ठीक है, और मज़े काटो, लाइव बन जाए। वीडियो खत्म कर।